को जय श्री राम। श्री हनुमत भक्ति दर्शन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम जसोवाला की प्राचीन, जो कि काफ़ी प्राचीन है, गोगा माड़ी पर। और आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी प्राचीन है और यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जो कि ग्रामीणों ने बताई है और हमारे चैनल के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं। मेरा नाम अनिल बोल है, मैं यहाँ क्षेत्रपाल, जो हमारे ग्राम क्षेत्रपाल है, नगर खेड़ा बोलते हैं, यहाँ का पुजारी जी। पंडित जी, आज क्या कार्यक्रम है पूरा बताइए। आज जो है हमारे यहाँ 3 तारीख को जो हमारे क्षेत्रपाल जी का भंडारा ना, आज हमारे यहाँ जो क्षेत्रपाल जी के पास गोगा माड़ी है, उनकी बहुत दूर दूर तक है, दूर दूर तक के प्रसाद ग्रहण करा अन्य क्या हिमाचल से, हरियाणा से, विकासनगर से, सारे क्षेत्र पर सहारनपुर के जिले पर भंडारा खंड रखता है, उनकी देवता की हमारी बहुत मान्यता है। जी पंडित जी, जैसे बताया जा रहा है यहाँ की कुछ समस्याएं भी हैं, वो कौन कौन सी है? समस्या ये है, हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और मुख्यमंत्री जी के यहाँ एक एप्लीकेशन भी लेके आए थे, ये हमारा यहाँ पे 3 शहर होना चाहिए। हमारे यहाँ करीब 1 साल में 4-5 भंडारे हो जाते हैं और बरसात में ये हालत हो जाती है कि यहाँ पे काई जम के फिसलन हो जाती है, क्योंकि खुला है, कोई छत नहीं है, छत हो तो सब श्रद्धालु आए, पूजा पाठ करें, थोड़ा कीर्तन करें, बैठे कर हो जाए तो हम सरकार की बहुत बहुत हमारी है। ये हमारे गोरखनाथ जी का स्थान है, जैसे हम राजस्थान जाते हैं यात्रा में, एक रात गोरखनाथ जी पे बितानी पड़ती है। श्री बागड़ वाले के गुरु श्री गोरखनाथ जी, ये स्थान उनका है, पहले पूजा इनकी होती है तब उनकी होती है। आगे आ जाओ, आगे रखता हूँ। हमारे श्री स्थान है पुराना, ये भी पहले पूजा इनकी होती है फिर आगे उनको पा जाते हैं। ये हमारे गोगा जी जहाँ भी जो राजस्थान में बहुत दूर दूर की दुनिया आती है, सच्चा पर्चा है इनका। और ये मंदिर है, ये पीपल का पेड़ हमारे बड़ों का टाइम से भी ये सुना जाता है कि 200 साल पुराना है और जैसे ही इस दीवार के अंदर है ऐसे का ऐसा ही। इसमें अभी करीब 6 महीने पहले बच्चों ने 3 सेकंड लगवाया, जो चंदा इकट्ठा करके महाराष्ट्र आदेश में दूर दूर की दुनिया पूरी रखती है। बहुत कुछ है, सब काम बने हुए हमारे भी, मैं तो अक्सर 14-15 साल का रहा हूँ, बस सब कुछ अब उद्धार हो रहा है सबका, कि मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। एक हाथ तो धोला मैंने, खुद धो दिया हाथ। इधर ही से नारायण जी मिलेंगे।